सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आदित्य बिरला कैपिटल एप्लीकेशन से। अगर आप लोग भी लोन को लेना चाहते हैं, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए कि मुझे जो यहां पे अप्रूवल अमाउंट मिला है वो गाइज पूरे 2 लाख रुपए यहाँ पे अप्रूवल अमाउंट मिला है, जो कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे। तो कैसे आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई वगैरह करना है, कंप्लीट प्रोसेस के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताए हैं। तो अगर आप लोग भी आदित्य बिरला कैपिटल से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप सब यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा कैसे अप्लाई वगैरह करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए आप सबका बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू। आप सबको आना है अपने ब्राउजर में, और आने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है सर्च करेंगे आदित्य बिरला पर्सनल लोन, लिख करके सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आदित्य बिरला पर्सनल लोन है, इस वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप सब इस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इंस्टेंट जो है आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोवाइड योर पर्सनल एम्प्लॉयमेंट डिटेल होता है, और उसके बाद यहाँ पे चूज लोन टेनर और अमाउंट होगा, और उसके बाद वेरीफाई योर लोन एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद आप सबके बैंक अकाउंट में गेट डिसबर्स हो जाएगा, यानी कि लोन अमाउंट आप सबके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आप सबको लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 महीने का सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद बैंक डिटेल्स फॉर लोन डिसबर्स हो जाएगा आप सबके बैंक अकाउंट में। तो आप सब यदि इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप सब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आप सबको अप्लाई नाउ का, आप सब जस्ट इस वाले पे जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब इस वाले पे क्लिक करते हैं गाइस, तो अब आप सबके सामने एक नए पेज आएंगे। यहाँ पे दोस्तों अब आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो यहाँ पे आप सब अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, और उसके बाद इस बॉक्स में आप लोगों को चेक मार्क करना है। यदि आप सबका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी है, इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए हमें इस डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई है इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सबके सामने एक नए पेज आएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब आप सब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप लोगों को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे होता है आप सबका बेसिक डिटेल, जिसमें आप सबको भरना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्रोफेशनल। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गाइस सबसे पहले आप सब अपना पैन नंबर को यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सबका नाम आएगा, उसके बाद जेंडर को यहाँ पर चयन करेंगे कि आप सब मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर चूज करना होगा कि आप सब शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्सनल ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटियल पिन कोड, जहाँ पे अभी आप सब हैं उस जगह का पिन कोड यहाँ पे आप लोगों को भरना है। भरने के बाद दोस्तों आप सबका सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। होने के बाद इस दोनों बॉक्स में आप लोग यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिएगा, और करने के बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग इस वाले पे जो है क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे सभी चीज को फिल कर लिए हैं, अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप सबके सामने अब कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, तो अब यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल जो है वो यहाँ पर भरना है। सबसे पहले आप सबको चूज करना है कि आप सब एम्प्लॉयमेंट टाइप में, अगर आप सब कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरी वाले पे टिक रहने देंगे, खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पे कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पे अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अभी फिलहाल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पे हमारे एरिया में जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम को यहाँ पर देना है, ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस को यहाँ पर डालेंगे, ऑफिस का पिन कोड यहाँ डालेंगे, सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस डिटेल को भी यहाँ पे कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने अब कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अब आप सबको बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, इनकम वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप सबको सबसे पहले बैंक का नेम यहाँ पर चयन कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप सब चाहे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले पे, अगर आप लोग बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में अपलोड करना चाहते हैं तो बीच वाले को टिक कीजिएगा, नेट बैंकिंग से अगर आप सब करना चाहते हैं तो नीचे वाले को टिक कीजिएगा, अपने अनुसार जिस चीज से सुविधा है उस अनुसार यहाँ पर टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप सबका अकाउंट का पूरी डिटेल से जो है ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अप्रूव है इस वाले पे जो है क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप सबका प्लीज वेट में रहेगा, तो आप सब यहाँ पे अपने पेज को कट या रिफ्रेश नहीं करेंगे, कुछ समय आप लोग यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आप सबके लिए लोन ऑफर होगा, दो स्टेप को आप लोग कंप्लीट करेंगे और दो स्टेप के बाद जो भी आप सबके लिए लोन ऑफर होगा वो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में जो लोन ऑफर हुआ है वो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे केस में जो लोन ऑफर हुआ है मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम यहाँ पे 2,00,000 का राशि है। तो जितने राशि आप सब लेना चाहते हैं उतना राशि को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मंथ की अगर बात कर लेगा तो मिनिमम यहाँ पे देखेंगे कि 24 मंथ है और मैक्सिमम यहाँ पे 60 मंथ के लिए लोन मिलेगा। तो हम यहाँ पे चाहे तो अपना अमाउंट को कम ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं, जितना अमाउंट लेना चाहते हैं, जितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं उतना यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे कम ज्यादा कर लेंगे। बाकी यहाँ पे लोन का डिटेल्स पूरा दिखाई देगा कि आप सब मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम 71,000 का अमाउंट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं तो EMI कितना बनेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग फीस कितना होगा, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। टेन्योर यहाँ पे 60 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आप सबको जितना राशि चाहिए, जितने मंथ के लिए चाहिए उतना यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। और इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड है इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आप सबको अपना सेल्फी देना है, तो आप सब बिल्कुल क्लियर सेल्फी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, चश्मा या मास्क या टोपी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर सेल्फी आप लोग यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। कैप्चर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल्फी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबको KYC करना होगा, तो KYC आप सबको पता है कि आप सबके आधार कार्ड से किया जाता है, जिसमें आप सबको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। डालने के बाद इस कैप्चा को यहाँ डालकर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके यहाँ पे अपना KYC को कम्प्लीट कराएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबका जो आधार का एड्रेस होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया जाता है, तो कन्फर्म योर एड्रेस है, तो आप सब यहाँ पे अपना एड्रेस को कन्फर्म कराएंगे। मान लीजिए कि अगर आप सबका करेंट एड्रेस सेम है दोनों, तो यहाँ पे यस वाले पे टिक रखिएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड है इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब आप सबको यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप सब पैसा को लेना चाहेंगे उस बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा। तो आप सब यहाँ पे अपना बैंक का नेम ऑटोमेटिकली चयन रहेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सबको IFSC कोड डालना है और ब्रांच नेम को यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद नीचे प्रोसीड है इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो आप सब वही अकाउंट नंबर डालेंगे जिस अकाउंट में आप सब पैसा को लेना चाहते हैं, तो आप सब यहाँ से अपना अकाउंट वेरिफिकेशन को कम्प्लीट करेंगे। और इसके बाद आप सबको यहाँ पे ईनाच कम्प्लीट करना होगा, जिसमें आप सब ऑटो डेबिट को यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे, आप सबका जो EMI होगा वो आप सबके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो सके। तो ईनाच को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और करने के बाद पैसा आप सबके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करूंगा क्योंकि गाइस मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है तो यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके ईनाच को कंप्लीट करेंगे और पैसा आप सबके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आदित्य बिरला से जो है लोन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ से लेकर आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है तो आगे का स्टेप यहाँ से कंप्लीट करेंगे और पैसा सीधा आप सबके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश इस एप्लीकेशन से आप लोग को लोन नहीं मिल पाए और आप लोग परेशान हैं, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे ही अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैं कई एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूं जिसका वीडियो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। अगर आप लोग उस सब से ट्राई करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कई वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पे सिर्फ आप सबको आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल्स पे ही लोन दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के वीडियो को चेकआउट करके वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।